नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। लोकसभा चुनाव करीब हैं और अब विपक्षी इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग की बात आगे बढ़ रही है। कांग्रेस ने सीट शेयरिंग पर बातचीत के लिए मुकुल वासनिक के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई है। मुकुल वासनिक की अगुवाई वाली कमेटी दिल्ली में अलग अलग प्रदेश की अलग अलग पार्टियों के साथ बातचीत कर रही है। बातचीत की कड़ी में अब बारी उत्तर प्रदेश की आ चुकी है। 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में सीटों का बंटवारा कैसे हो, इसे लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं की दिल्ली में बैठक होनी है। माना जा रहा है कि बंगाल की तरह उत्तर प्रदेश में भी सीटों के बंटवारे को लेकर पेच फंस सकता है। इसको लेकर एक रिपोर्ट है हमारे साथ था। इसी पर चर्चा के लिए खास मेहमान भी जुड़ेंगे, हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, सपा आरएलडी और कांग्रेस में कैसे सीटें बंटेंगी, इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए सपा और कांग्रेस के नेता दिल्ली की बैठक में मंथन करेंगे। सीट शेयरिंग को लेकर ये बैठक ऐसे समय में होने जा रही है जब मायावती ये साफ कर चुकी हैं कि उनकी पार्टी किसी से गठबंधन किए बगैर चुनाव मैदान में उतरेगी। कांग्रेस इंडिया गठबंधन में बीएसपी को भी लाने की कोशिश कर रही थी, हालांकि सपा इस गठबंधन में बीएसपी की एंट्री के खिलाफ थी। मायावती के ऐलान से यूपी में इंडिया गठबंधन की तस्वीर क्या होगी ये साफ हो गया है। ऐसे में अब सस्पेंस सीट शेयरिंग को लेकर ही है। बता दें कि यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। अखिलेश यादव पहले ही साफ कर चुके हैं कि सूबे में इंडिया गठबंधन का नेतृत्व सपा ही करेगी। सपा के गठबंधन का नेतृत्व का सीधा अर्थ अधिक सीटों पर दावेदारी है, तो वहीं सपा 65 सीटों पर चुनाव लड़ने की दावेदारी कर रही है। सपा की कोशिश है कि कांग्रेस और आरएलडी को 15 सीटों पर मना लिया जाए। वहीं यूपी कांग्रेस के नेता सपा के बराबर सीटें चाहते हैं, तो यूपी कांग्रेस के नेता 2019 में सपा बीएसपी गठबंधन का जिक्र करते हुए ये तर्क दे रहे हैं कि अखिलेश यादव जब मायावती की पार्टी को अधिक सीटें दे सकते हैं तब हमें क्यों नहीं। वहीं कांग्रेस के केंद्रीय नेता करीब 25 सीटों पर दावेदारी के पक्ष में हैं। जयंत चौधरी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोकदल भी 7 से 8 सीटों के लिए दावेदारी कर रही है। साल 2019 के चुनाव की बात करें तो सपा बीएसपी और आरएलडी से गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतरी थी। सपा ने 37 और बीएसपी ने 38 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और आरएलडी के हिस्से 3 सीटें आई थी। वहीं सपा बीएसपी आरएलडी के गठबंधन ने सोनिया गांधी की सीट रायबरेली और अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारे थे। तब सपा ने 18.1% वोट शेयर के साथ 37 में से 5 सीटें जीती थी और 31 सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे थे। कांग्रेस ने 80 में से 67 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। पार्टी 6.4% वोट शेयर के साथ केवल 1 सीट ही जीत सकी। कांग्रेस के टिकट पर यूपी से केवल सोनिया गांधी ही चुनाव जीत सकी और तब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे राहुल गांधी अपनी सीट भी नहीं बचा पाए थे। वहीं बात अगर आरएलडी के वोट शेयर की करें तो आरएलडी वोट शेयर 1.7% रहा था। पार्टी अध्यक्ष जयंत चौधरी भी अपनी सीट हार गए थे। आरएलडी एक भी सीट जीतना तो दूर, किसी सीट पर दूसरे स्थान पर भी नहीं रही। यूपी कांग्रेस के नेता जहां सीट शेयरिंग के लिए 2009 के लोकसभा चुनाव को फॉर्मूला बनाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं सपा 2019 के लोकसभा चुनाव को 2022 के यूपी चुनाव को आधार बनाने की बात कह रही है। 2022 के यूपी चुनाव में सत्ताधारी बीजेपी ने 255 सीटें जीती थी और उसका 41.6% वोट शेयर रहा था, जबकि सपा को 32.3% वोट मिले थे और उसने 111 सीटें जीती थी। कांग्रेस महज 2 सीटें ही जीत सकी थी और उसका वोट शेयर 2.4% रहा था। पिछले लोकसभा चुनाव और 2022 के यूपी चुनाव में प्रदर्शन को आधार बनाकर सपा कांग्रेस को अधिक सीटें देने के पक्ष में नहीं है। यूपी कांग्रेस के नेता शीर्ष नेतृत्व से ये कह चुके हैं कि 30 सीटों से कम पर सपा से बात न की जाए। फिलहाल दोनों दलों के नेताओं के बीच सीट शेयरिंग को लेकर जब बातचीत के बाद ही कोई फॉर्मूला सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो सीट शेयरिंग को लेकर लगातार खींचतान मची हुई है। बंगाल और बिहार में जिस तरह से सीटों को लेकर खींचतान और बंटवारे का जो फॉर्मूला है वो फिक्स होता नजर नहीं आ रहा है, ऐसा ही कुछ अब उत्तर प्रदेश में भी सीटों के बंटवारे को लेकर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। इसी पर हम बातचीत करेंगे और बातचीत के लिए हमारे साथ
खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ अश्विनी शाही जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हैं। बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। विजय कौशिक जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कुछ ही देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। और तारिक खान सपा के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर। और रणविजय मौर्य आरएलडी प्रवक्ता हैं, वो भी कुछ देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। विजय कौशिक जी, लगातार इस बात को लेकर चर्चा और मंथन तो किया जा रहा है, हर बार इस बात को कहा जाता है कि कांग्रेस की जो कमेटी बनाई गई है इंडिया गठबंधन को लेकर वो उस पर काम कर रही है, सीट शेयरिंग को लेकर, बंटवारे को लेकर जिस तरह का पेच फंसता नजर आ रहा है उसे ठीक तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। लेकिन बंगाल और बिहार के बाद अब देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी पेच फंसता नजर आ रहा है, सीटों की खींचतान दिखाई दे रही है सर। देखिए, ये जो किसी भी गठबंधन में इस तरह की खींचतान आम बात है, आप भाजपा का गठबंधन देख लीजिए, वहां भी सीट शेयरिंग को लेकर तमाम तरह की बातें हैं। ठीक है, और हमारे यहाँ जो मतभेद है निश्चित तौर पर वो जल्द ही सुलझा लिए जाएंगे, और अगर ये मतभेद नहीं सुलझते हैं तो फिर इस गठबंधन का कोई यथार्थ या इसकी जो स्थिति है वो नहीं रह जाएगी। और जबकि सभी क्षेत्रीय दल कांग्रेस के नेतृत्व में देश को बचाने की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो उन्हें निश्चित तौर पर सीटों को लेकर बड़ा दिल दिखाना होगा। लेकिन सर, लगातार बात इस बात को लेकर की जाती है ना कि कांग्रेस को अगर इस गठबंधन को चलाना है, आगे बढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं बड़ा दिल कांग्रेस को दिखाना पड़ेगा। बिहार भी इस बात को कह चुका है, जेडीयू इस बात को लगातार कह रही है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी इस बात को कह रही है। तो वहीं अगर बात सपा की जाए तो सपा ने तो साफ साफ कह दिया है कि आइए उत्तर प्रदेश में सबक सिखाएंगे। इस बार 65 सीटों की बात सपा की तरफ से की जा रही है और आप कह रहे हैं कि सीटें ज्यादा चाहिए, कैसे होगा सर? नहीं, बड़े दिल की बात ये नहीं है कि कांग्रेस ये ऐलान कर दे कि भी पूरे देश में हम कहीं चुनाव नहीं लड़ेंगे, यही क्षेत्रीय दल गठबंधन के नाम पर चुनाव लड़ ले, ऐसा संभव नहीं है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, पूरे देश में वजूद है, जो क्षेत्रीय दल अपने अपने क्षेत्र तक सीमित हैं, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो कांग्रेस को उसका हक लेने के आड़े ना आए। अगर वो आड़े आते हैं तो निश्चित तौर पर नुकसान उन्हीं का होगा और देश का होगा निश्चित तौर पर। उन परिस्थितियों में जरूरी है कि भाई सभी क्षेत्रीय दल अपनी हैसियत आंके कि क्या वाकई अखिलेश जी 65 सीटों पर लड़ने के योग्य हैं, पिछली बार उनकी कितनी सीटें थीं और कांग्रेस से समर्थन मिलने के बाद में अब वो कितनी जीत सकते हैं, उन परिस्थितियों में कांग्रेस की क्या भूमिका होनी चाहिए, कांग्रेस को कितनी सीटें मिलनी चाहिए। भाई हमारा तो सीधा सा मुद्दा है, न हम किसी का हक मारने में विश्वास रखते हैं, लेकिन हम किसी दूसरी क्षेत्रीय दल को भी अपना हक नहीं मारने देंगे। ठीक है तारिक जी, क्या 65 सीटों की हैसियत रखते हैं आप? 65 सीटों पर दावा ठोक रहे हैं, बात कर रहे हैं कि आप सिर्फ 15 सीटें देंगे आरएलडी और कांग्रेस को, लेकिन वर्चस्व की बात कर रहे हैं। कौशिक जी कह रहे हैं कि कांग्रेस भी तो उतनी ही मजबूत है हर जगह, कैसे हम मान लें? देखिए, इंडिया गठबंधन ने कोऑर्डिनेशन कमेटी बना रखी है और जो बातें अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कही वो नहीं कही। मैं आग्रह करता हूँ इंडिया गठबंधन के हिस्सेदार से कि विजय साहब, ये ट्रैप होता है, ट्रैप मतलब होता है कि आपको फंसाया जाता है, हम उस ट्रैप में आ जाते हैं। मैं माफी के साथ आपसे कहता हूँ कि हाथ जोड़ के कहता हूँ उस ट्रैप में मत आए। जोशी जी देखिए मुस्कुरा रहे हैं, मेरे ये यही है कि क्या कांग्रेस हमसे पूछ ले कि क्या आप 65 लड़ पाएंगे? देखिए भाई, कोऑर्डिनेशन कमेटी का फिर काम क्या है? समन्वय वो बना रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी यहाँ पर बढ़ जाती है, यहाँ ये कहना कि हमें पूरी उम्मीद है समन्वय बन जाएगा और एक अच्छे विकल्प के साथ जनता के बीच में जाएगा। अब किसकी क्या हैसियत है, कांग्रेस का हम राष्ट्रीय पार्टी है हक मारेंगे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस पे अगर बहस करने को चले जाएंगे तो मध्य प्रदेश वाली स्थिति आप फिर से खड़ी करने का। देखिए, हमको बचना है इस चीज से और कहना सिर्फ ये है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के कंधों पर यह जिम्मेदारी दी गई है कि हल निकाल के लेके आओ। अब नहीं हल निकलेगा तब फिर आगे की बात की जाएगी, लेकिन अभी जो हमें निर्देश दिया गया है पार्टी की तरफ से
वो ये कि हम गठबंधन में हैं, गठबंधन पॉजिटिव है, गठबंधन सीटों के विकल्प के साथ और अपने प्रोग्राम के साथ, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ, जनता जो जनार्दन है, जो जज है, जो मालिक है, उस मालिक के पास जाएंगे अपनी अर्जी लेकर। तो क्यों हो, मैं जानना चाहती हूँ। नहीं सब तारिक साहब, अगर ठीक है कमेटी बनाई गई है और इसका हल निकाला जा रहा है, हल निकल क्यों नहीं पा रहा है सर? कब तक निकलेगा वक्त आपको लगता है? लगातार बाकी के दल, पश्चिम बंगाल की बात करें या जेडीयू की बात करें, बिहार की बात करें, लगातार इस बात को दोहरा रही हैं कि आखिर वक्त तो क्षेत्रीय दलों को भी प्रचार प्रसार के लिए चाहिए ना। नहीं ठीक है, या नहीं चाहिए सर? बात को, नहीं नहीं बिल्कुल वक्त चाहिए। इस बात को आपकी हर पार्टी रियलाइज कर रही है और लगातार मीटिंग हुई, अभी हम लोगों की भी मीटिंग हुई, उसमें भी इस बात को रखा गया और वहां से ये बात कही गई कि इस चीज को जल्द से जल्द सुलझा लिया जाएगा, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं आपसे बात करता हूँ इस बात का, उत्तर प्रदेश की संदर्भ में बात कर रहा हूँ कि हम बहुत जल्द सीटों के, जो हमारे तीन मेन लोग जो हैं जिसमें आरजेडी, हम और कांग्रेस, हम अपना जो एक फॉर्मूला है सीट शेयरिंग का, उसको जल्दी ही फाइनलाइज करेंगे। आरजेडी सर या आरएलडी? जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। ठीक है, हाँ हाँ आरएलडी, जयंत सिंह वाली। ठीक ठीक है, हमारे साथ रणविजय सिंह भी आरएलडी से जुड़े हुए हैं। सर क्या लगता है आपको, जिस तरह से आरएलडी भी लगातार ज्यादा सीटों की मांग कर रही है, 7 से 8 से लेकर 10 सीटों की बात कर रही है, किस हिसाब से ये बंटवारा हो सकेगा आपको लग रहा है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात को दोहरा रही है कि कहीं ना कहीं उसका जो वर्चस्व है क्षेत्रीय दलों को उतना ही सीमित रहना चाहिए जितना जरूरी हो। सीट शेयरिंग का कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है और कोऑर्डिनेशन कमेटी का ही निर्णय मान्य होगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत जल्द इस चीज का निर्णय लेंगे और इंडिया गठबंधन को मजबूती के साथ, भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है। हम लोग बहुत मजबूती के साथ एक हैं और सीट शेयरिंग कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। ये सीट शेयरिंग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठ के लगभग तय है, बस केवल उनको बैठना है और उस पर निर्णय हो जाएगा। ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। हम लोग जो है सब एक हैं, भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना ही हमारा मेन लक्ष्य है, बस हम लोग उसी में। सर सब कुछ तय भी है, एक भी है, एकजुटता भी दिख रही है, कमेटी भी बन गई है, सब कुछ हो गया है, लेकिन फिर भी सीट शेयरिंग नहीं हो पा रही है। सीट तो सवाल तो उठेगा ना सर, ये राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय कर रखा है, सीट शेयरिंग तय है, लेकिन इसकी वक्त आने पर ही इसकी। ठीक है सर, ठीक है। अश्विनी शाही जी क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से कहा जा रहा है, देखिए भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है, एकजुटता दिखाई दे रही है, फिर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि कहीं ना कहीं गठबंधन उतना कामयाब नहीं होता दिख रहा? देखिए वक्ता जी, अभी यहीं पर तीन लोग हैं जो इंडी अलायंस के सदस्य। अभी रणविजय जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है। तारिक भाई हमारे कह रहे हैं कि हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है, और हमारे विजय कौशिक साहब कह रहे हैं कि सपा 65 सीट लड़ने के योग्य नहीं है, और क्षेत्रीय दल कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव लड़े, ये विजय कौशिक जी ने कहा। अब बताइए कौन सी कोऑर्डिनेशन कमेटी भाजपा को कैसे उखाड़ेंगे जब वो लड़ने के योग्य ही नहीं है? और कहां पर ये किसने बता दिया विजय कौशिक जी को कि तारिक भाई उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं? अखिलेश जी ने तो कहा है कि हम सीटें मांग नहीं रहे हैं, हम दे रहे हैं। और स्थिति ये है कि बहुजन समाज पार्टी को 37 से 38 सीटें इन लोगों ने दिया था 19 के चुनाव। क्या कांग्रेस उस लायक भी नहीं है? उतनी भी नहीं देंगे? 65 सीटों पर अगर हम लड़े, आरएलडी 8-9 मांग रही है, जिसका वोट परसेंटेज मतलब 1% भी नहीं था, पॉइंट जो है 0 कुछ था, वो 8 मांग रहे हैं, तो क्या कांग्रेस की वो भी स्थिति नहीं है कि उत्तर प्रदेश में जो 2009 में 21-22 सीटें जीती थी, वो आज जो है चुनाव लड़कर इनसे जो है 10-20-25 सीटें ना मांग सके? तो मुझे जो लगता है, दिखाई दे रहा है कि जूतम पैजार की जो नौबत मध्य प्रदेश में थी जी, वो यहाँ भी होगी। अजय राय जी कह चुके हैं, आज मीटिंग भी आज शायद समाजवादी पार्टी की या किसकी कांग्रेस की होने वाली थी। देखिए अब क्या होता है, वहाँ पर कोई भी दल अपने आप को तुर्रम खास समझता है। अखिलेश जी अपने बदबूते पर 111 सीट जीते हैं विधायकों का, तो कम से कम एक अगर होता है, 5 विधानसभा होती है तो 20-22-25 से ऊपर उनको सीटें नहीं चाहिए, जबकि उनको 5 सीटें मिली थी 37-38 सीटें लड़ने के बाद,
5 सीटें मिली थी, अब तो 3 रह गई हैं। रिक्शा पर बैठने लायक, अब साइकिल के डंडे पर बैठने वाली सीटें भी नहीं मिल पाएंगी, पता नहीं उनको या क्या होगा। लेकिन आज कांग्रेस को और उनको एक सम्मान के साथ देखना, ये समाजवादी पार्टी यहाँ नहीं चाहती थी और कांग्रेस नहीं चाहती थी मध्य प्रदेश में। इसलिए कमलनाथ जी ने कहा कौन अखिलेश वखिलेश, और इन्होंने कहा ठग पार्टी है। तो कोऑर्डिनेशन कमेटी अगर है तो उस कोऑर्डिनेशन कमेटी का कोई एक विचार और विकल्प और कोई भी एक चीज आना चाहिए कि हाँ हम कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक कर रहे हैं, अलग अलग दल बैठक नहीं करते, आज अलग अलग दल बैठक कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक नहीं हो रही है। नहीं बताएंगे तो फिर गठबंधन का औचित्य क्या है, फिर वो गठबंधन में शामिल ही क्यों होना चाहते हैं। तो अखिलेश यादव साफ कर चुके हैं कि बताएंगे नहीं, वो ये बता चुके हैं आपको। जी सुनिए ना, उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया, ये बातें बैठकर होती हैं और गठबंधन की बैठक में ये सब तय होगा कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। मीडिया में कह देने से कि हम 65 पर लड़ेंगे या 85 पर लड़ेंगे या 400 पर लड़ेंगे, उससे कुछ नहीं होता। जो बैठक में तय होगा वो फाइनल माना जाएगा। नहीं तो सर, किस आधार पर बंटवारा हो रहा है यूपी में, अगर देखा जाए तो किस आधार पर, आंकड़ों के आधार पर, क्षेत्रीय दल की मजबूती के आधार पर, किस आधार पर, जनता के जनाधार के आधार पर कैसे तय किया जा रहा है? आखिर कांग्रेस किस तरह का होमवर्क कर रही है? देखिए कांग्रेस पार्टी ने जो हमारे प्रदेश के कांग्रेस के मुखिया हैं मिस्टर अजय राय, उनकी जिम्मेदारी बनाई है, पार्टी स्तर पर सर्वे कराया जा रहा है और इसके अलावा प्राइवेट स्तर पर भी कुछ सर्वे कंपनियों को जिम्मेदारी दी गई है। कब तक तय हो जाएगा सर? हमें उम्मीद है कि शीघ्र ही इस मामले में, क्योंकि जो हमारे पास रिपोर्ट्स आई हैं उनमें कांग्रेस एक अच्छी भूमिका की तरफ दिखाई दे रही है, तो उन परिस्थितियों को समझते हुए क्षेत्रीय दलों के साथ हमारा सीट बंटवारे को लेकर फैसला हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं कि लगातार जिस तरह से आपसी मतभेद नजर आ रहे हैं उसको देखकर तो नहीं लग रहा सर कि कहीं ना कहीं से सब कुछ ठीक चल रहा है? अगर ठीक चल रहा होता तो अब तक कोई ना कोई रिजल्ट तो सामने आया होता, क्योंकि इस गठबंधन को बनाया तो सर इसीलिए था ना कि जिस तरह से बेरोजगारी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तमाम तरीके के मुद्दे आपने आगे लाकर रखे, तो देश की जनता को ये जानने का क्या हक नहीं है कि आपके इस इंडिया गठबंधन में किस तरह से सीट शेयरिंग हो रही है, कहां से कौन लड़ रहा है, किस तरह से आप पूरा रोड मैप तैयार कर रहे हैं? देखिए ये बातें देश की जनता के जानने योग्य कितनी है, ये उन्हीं के जो सुझाव हैं जनता के या जो उन्होंने जो मत प्रतिशत जिस पार्टी को दिया है। गठबंधन नहीं हो रहा है क्या? अश्विनी शाही जी पूछ रहे हैं, विजय कौशिक जी भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है कि गठबंधन हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ इन्हें परेशानी किस बात की है, अपने गठबंधन को तो संभाल लें। दो क्षेत्रीय पार्टियां बीजेपी को छोड़कर भाग चुकी हैं, तो पहले अपनी चिंता कर लें, हमारी बाद में कर लें। हमारा तो जो गठबंधन होगा वो शेयरिंग के बाद सबको स्पष्ट हो जाएगा, अगर होगा तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक। तारिक साहब, होगा तो भी ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक। अब देखिए ऐसा है ना मैम कि हम लोगों को बहुत, मुझे लगता है कि जो हम कहते हैं वो जनता तक एक मैसेज बन के जाता है और यूनाइट हो ना हो मगर दिखना यूनाइट चाहिए। मैं अपने पर्स को निभाते हुए इस बात को कहता हूँ कि हम गठबंधन के साथ हैं और मैं आधिकारिक रूप से इस बात को पुष्टि करता हूँ विजय साहब को कि किसी ने नहीं कहा कि हम 65 सीट से लड़े। मैं आधिकारिक प्रवक्ता हूँ समाजवादी पार्टी का, मैंने इस चीज को 3-4 बार कन्फर्म किया, ये बात कभी नहीं कही। इस बात को कांग्रेस के लोगों ने बड़े दूसरे ढंग से लिया कि वो तो कह रहे हैं हम 65 लड़ेंगे। नहीं, यूपी कांग्रेस कह दिया था, यूपी कांग्रेस लगातार तारिक खान साहब इस बात को कह रही है। खबरें भी देखिए सर कि दो अपडेट होने की जरूरत है। 2019 में जब सपा बसपा गठबंधन में आपने बसपा को सीटें अधिक दे दी तो कांग्रेस को देने में क्या दिक्कत परेशानी आ रही है आपको? नहीं बिल्कुल, जब बात होगी ये कैसे कौन सी सीटें जीत सकते हैं, हम तो चाहते हैं कि बीजेपी के सामने एक मजबूत कैंडिडेट खड़ा हो और अगर इनके पास मजबूत कैंडिडेट हैं और वाकई में समीकरण बन रहे हैं, देखिए समीकरण पे होता है
तो उसमें अगर ये आगे है तो बिल्कुल इस बात पे विचार विमर्श हो रहा है, बात हो रही है, और कोई बड़ा भाई नहीं है, कोई छोटा भाई नहीं है, सब बराबर के भाई है। जरूरी है कि एक घर में क्यों गोला बनाया गया था, मैं आपको उदाहरण से एक बात बताता हूँ। जब मुंबई में मीटिंग हुई तो एक गोला बनाकर सारे जो इंडिया गठबंधन के मेंबर थे उनको रखा गया, इसलिए ताकि कोई राउंड में सब लोग बराबर ही दिखते, कोई ऊपर नहीं है कोई नीचे नहीं है। इसलिए इंडिया गठबंधन बीजेपी की गलत नीतियों के खिलाफ जनता को एक विकल्प देना चाहता है। उसमें अब ये कहना कि क्या आप क्या क्षेत्रीय दल को अपनी वो समझनी चाहिए, लिमिट समझनी चाहिए, कांग्रेस को इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है तारिक खान साहब, मेरे पास वक्त की कमी है, मैं रणविजय मौर्य साहब भी एक प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। रणविजय जी, चाहे जो भी फॉर्मूला तय किया जाए कांग्रेस पार्टी की तरफ से, इस इंडिया गठबंधन की तरफ से, जो भी तय किया जाएगा, जितनी भी सीटें आरएलडी को दी जाएंगी, क्या आप उससे सहमत होंगे? ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा और कोऑर्डिनेशन कमेटी तय करेगी कि हम कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, और ठीक है। मीडिया में बोल देने से कि हम इतने पे लड़ेंगे, इससे नहीं होना है। हमें भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है। ठीक है सर, अश्विनी शाही जी जाते जाते आपकी एक प्रतिक्रिया। विश्वास को बनाए रखना है तो हमें कहीं कहीं कुर्बानी देनी होगी। पार्टी 80 सीटों के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है, इंडिया लक्ष्य का निर्धारण हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी और रणविजय या बीजेपी। रणविजय जी, रणविजय जी रुकिए ना सर, सर वक्त की कमी है। उत्तर प्रदेश में चाहे रणविजय जी हो या विजय कौशिक जी, दोनों लोग सपा की अनुकंपा पर है। रायबरेली सीट भी सपा की अनुकंपा पर, क्योंकि सपा ने कोई सीट उखाड़ा नहीं किया, और रणविजय जी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो राज्यसभा में सपा के कोटे से हैं, तो अनुकंपा पर ये लोग हैं। अब समाजवादी पार्टी चाहेगी तो देगी, वरना ये लोग भूमिका में। ठीक है, ठीक है, सब वक्त की कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। पक्ष विपक्ष में इतना ही, नमस्कार।